हाय माय यूट्यूब फैमिली, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव आप सभी को। आज हम आप दोनों की करंट एनर्जीज देखेंगे। ये डेक से आपके लिए और ये डेक से आपके पार्टनर्स के लिए। चलिए सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे मेरी यूट्यूब फैमिली की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज बताइए मेरी यूट्यूब फैमिली, फैमिली के करंट एनर्जीज क्या है। लास्ट कार्ड, ठीक है। बहुत लोगों मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्लीज बताइए। यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। दो और कार्ड, चलिए मैंने आप दोनों के कार्ड निकाल लिए, ठीक है। अब मैं आपकी एनर्जीज चेक करती हूँ। किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जीज, ठीक है। एंड बॉटम की एनर्जीज फाइव ऑफ पेंटिकल्स विद द मून। ओके, आप अपने पार्टनर को बहुत हद तक मिस कर रहे हो, बर्डन महसूस करते हो। आपने बहुत सारे पेशेंटली बैठ के आपने प्लानिंग किया कि मैं ये करूँगा ये करूँगी और मेरा पार्टनर आ जाएगा या आ जाएगी, और नहीं आया, ठीक है। और यहाँ पे आपके दुश्मन बहुत हैं। दुश्मन इन सेंस लोग आपके पीठ के पीछे बहुत गलत बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग बहुत बैलेंस्ड हैं, जहाँ इमोशनली आप बैलेंस्ड हो तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, या आपके घर में किसी की शादी है तो आप वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हो, या कोई फंक्शन है या कुछ भी, मतलब कोई फेस्टिव फंक्शन है जहाँ पे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, यू आर इन योर टाइम। ये भी एक सेट ऑफ लोग हैं। एक है पूरा बर्डन लेके बैठे हैं और बोल रहे हैं कि हाय मैं कैसे करूँगा या करूँगी। कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर्स को बहुत हद तक चेज करते हैं, स्पाई करते हैं। वेरी बैड, वेरी बैड, मत करो। यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग फ्रॉम दैट। मुझे ये फीलिंग आ रहा है कि रीसेंट, बहुत रिसेंटली आपके पार्टनर से आपकी बातचीत होना बंद हो गया, और शायद उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, ब्रेकअप किया या ब्लॉक किया, कुछ तो हुआ है दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप एकदम बोलते हैं ना उदास हो गए हो, टेंस्ड हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, ठीक है। सो अगर ये आपकी एनर्जीज हैं तो आपके पार्टनर्स की एनर्जीज भी आपको रेजोनेट होगी। सो पॉइंटर्स, इसका पॉइंटर्स मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे कुछ लोग हैं फुल्ली लव के साथ, कुछ लोग बर्डन के साथ हैं, कुछ लोग पूरा प्लानिंग करते हैं बट हार जाते हैं,
कुछ लोगों के बहुत दुश्मन है एंड बहुत लोग यहाँ पे अपने पार्टनर्स को चेस कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। यहाँ पे सेलिब्रेशन की भी एनर्जीज है, खुशियाँ भी है। सो सबकी अलग अलग एनर्जीज होगी, जो चीज़ आपको रेजोनेट होती है वो ही आप लीजिए, ठीक है। अब आपके पार्टनर्स का देख रही हूँ, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं एक कार्ड क्लैरिफाई कर लेती हूँ। है तो बहुत इजीली, मतलब बता सकती हूँ मैं वैसे भी कि आपके पार्टनर्स के पास अगर पहले ऑप्शंस थे तो अब वो ऑप्शंस में से किसी ने उनको धोखा दिया है, उनका दिल टूटा है और अब वो सोच रहे हैं आपके पास वापस आने का, क्योंकि आप लोग काफी हद तक बैलेंस्ड हो गए हो और वो अब अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या किंग ऑफ पेंटिकल्स के पास वापस आना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको स्पाई भी करते हैं और बैलेंस पूरा बिगड़ा हुआ है आपके पार्टनर्स का पूरा। चलिए, ओके, उनकी लाइफ में कोई कर्मा था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हुआ, ठीक है। क्लियर। जिस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा था ना, वहां पे ही उनका दिल टूट गया है। एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी वर्क भी हो सकती है, उनको धोखा भी मिला है एंड लॉस भी हुआ है। स्पाई, आपके पार्टनर आपको बहुत स्पाई कर रहे हैं और वो आपको प्रपोज भी करना चाहते हो, तो इसलिए चेक कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। आप लोग एक डिवाइन रिलेशनशिप में हो एंड यहाँ पे बहुत लोगों के पार्टनर्स आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, रिटर्न, और वो बहुत जल्दी होगा। वो तो हम बड़ी रीडिंग करेंगे तो उसमें आ जाएगा। यहाँ पे ना आपके पार्टनर्स को नजर भी लगी है, नजर भी लगी है जिसकी वजह से आपका रिश्ता टूटा है। लोग आपसे जलते हैं, आप दोनों से। ये भी एक सेंस आ रहा है और यहाँ पे बहुत लोगों को मैसेज मिल सकता है। बहुत लोगों को मैसेज का कार्ड आया नहीं है बट मिलेगा। अगर कुछ एंड हुआ है ना तो आपको जस्टिस मिलेगा और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग होगा। ठीक है, एनर्जीज बहुत बोलते हैं ना शांति वाली है,
जैसे बोलते तूफान के पहले जो शांति आती है या खुशियाँ के पहले शांति, बहुत वैसी। मतलब यहाँ पे हर्मिट कार्ड है नहीं, बट मैं हर्मिट कार्ड को बहुत मिस कर रही हूँ, बिकॉज उसकी एनर्जी यहाँ पे मैं महसूस कर पा रही हूँ। आपके पार्टनर बहुत शांति से सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, और ये सब जो भी आप दोनों के बीच में वो क्यों हुआ, शायद उनके ईगो की वजह से भी हुआ है। थर्ड पार्टी तो थी और है, यस थर्ड पार्टी तो है आप लोगों की लाइफ में, कुछ भी हो सकता है, बट 110% कोई फीमेल एनर्जी है, और वहां पे एंड होने, बहुत जल्द एंड होने वाला है, सो डोंट वरी। चलिए, अगर आपको आज का ये रीडिंग पसंद आया देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव। थैंक यू।